दुनिया का सबसे बड़ा इंक्रोचमेंट अतिक्रमण वो इसराइल है। इसराइल जब वहां आबाद हुए वो लोग दूसरी जगह से आकर उन पर रहम करके वहां रखा गया, वो धीरे धीरे माली तौर पे इतने मजबूत होते गए कि उन्होंने वहां पे रहने वाले मूल जो हकीकी वहां के बाशिंदे थे उनको धीरे धीरे धकेलते हुए एक 41 किलोमीटर की स्ट्रिप पर गाजा पट्टी पर उनको मुंतकिल कर दिया, जहां से एक तरफ उन्होंने लंबी दीवारें खड़ी कर दी, दूसरी तरफ समुन्द्र, तीसरी तरफ जो है वो दूसरे मुल्क की बॉर्डर। ऐसे उनको एक दुनिया का सबसे बड़ा खुला हुआ कैद खाना जो गाजा पट्टी है, जहाँ पे जो हकीकी मालिक है वो वहां रहते हैं। मैंने एक बार पढ़ा था कि गांधी जी ने कहा था कि अगर ब्रिटेन की जगह ब्रिटेन के लोगों की है, अगर फ्रांस की जगह फ्रांसीसियों की है, हिंदुस्तान की जगह हिंदुस्तानियों की है, तो फलस्तीन की जगह वो अरबियों की है, उसके मालिक अरबी हैं, इजरायली नहीं। यहाँ तक के गांधी जी जो थे एक तरह से वो यहूदियों के हामी थे। उन्होंने अपनी बात में ये कहा था कि जिस तरह ईसाई लोग यहूदियों के खिलाफ सुलूक करते हैं, जब वो जनूबी अफ्रीका में गांधी जी थे तो उन्होंने ये देखा था कि इस तरह यहूदियों के साथ खराब सुलूक ईसाई करते थे कि जब मैं हिंदुस्तान आता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि ऐसा ही सुलूक ऊंचे समाज के हिंदू जिस तरह महार के साथ दलित के साथ सुलूक करते हैं, वैसा ही सुलूक ईसाई यहूदियों के साथ किया करते थे। उनकी हमदर्दी नस्ल की बुनियाद पर, आजादी की बुनियाद पर, हुकूक के बुनियाद पर यहूदियों के साथ थी। लेकिन वही गांधी ने उस वक्त कहा था कि इजराइल ये जो है ये कब्जा करके रखा है, असली मालिक फलस्तीन का अरबी है और वही मालिक रहनी चाहिए। यही सिफारती पॉलिसी हिंदुस्तान की थी। यहाँ सिर्फ एक उम्मत का मामला नहीं, आज हमारे दिल में हमदर्दी है फलस्तीन के लिए, हमारे क्या पूरी दुनिया के लोगों के दिलों में है। दुआ के जब कोई हादसा हो जाता है तो दुआ का ऐलान होता है। मैं नहीं मानती कि बिना ऐलान के कोई दुआ नहीं मानता, मैं तो ये मानती कि हर गैयूर मुसलमान अपनी हर नमाज में, चाहे फलस्तीन में कोई हमला हो ना, अपनी हर दुआ में, चाहे वो इंफरादी दुआ हो चाहे इज्तमाई दुआ हो, बिना फलस्तीन के मुसलमानों के बिना किसी मुसलमान की दुआ पूरी नहीं होती। लेकिन अब जो मामला है ये सिफारती मामला है। सिफारती मामला एक जुल्म की बात है, एक इंसानियत की बात है। सिर्फ मुसलमान की हमदर्दी मुसलमान के साथ रहे ये बात नहीं है, ये इंसानियत की बात। जब इंसानियत की बात थी तो पूरी दुनिया फलस्तीन के साथ थी। अब ऐसा माहौल हो गया है कि सिफारती फैसले भी ताकत और पैसे की बुनियाद पे होते हैं। इसलिए अब पूरी दुनिया, कोई दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं होगा जो नहीं जानता होगा कि हकीकी मालिक फलस्तीन का या इसराइल जिस जगह पर रह रहा है उसका मालिक कौन। लेकिन फिर भी अपने मुफाद के लिए धीरे धीरे उन्होंने अपने सिफारती फैसले बदल लिए हैं। और इसमें हिंदुस्तान में आप जब देखेंगे जो मीडिया चल रहा है, चाहे सोशल मीडिया हो, कई बार आप न्यूज में देख रहे हो गलत अफवाहें फैला रहा है। अगर हमास ने इसराइल पर हमला किया और हमास को पूरी दुनिया फिरका परस्त या जिसको बोलते हैं दहशत गर्द मानती है, अगर उसने इसराइल के आवाम पर हमला किया, अगर वो गलत है तो हुकूमत इसराइल जिस तरह फलस्तीन में लोगों पर जुल्म कर रही है, उनके ऊपर बमबारी कर रही है, ये भी गलत है, ये भी दुनिया ने मानना चाहिए। अगर कोई टेररिस्ट तंजीम करती है उसको तुम गलत मानते हो, टेररिस्ट के लिए कोई कानून नहीं है जंग का, वो तो टेररिस्ट है, वो तो किसी पर भी हमला करेगा, कानून मुल्क के लिए। लेकिन मुसलसल इसराइल जो है वो जंग के कानून के खिलाफ इकदाम कर रहे हैं। उन्होंने व्हाइट फास्फोरस नाम का जो केमिकल है वो बम में इस्तेमाल किया, वो ऐसा है जो जंग में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता बैनुल अक्वामी तौर पर। यानी वो जब गिरता है, अगर किसी के जिस्म पर गिर जाए तो वो जख्म के साथ साथ हिस्से वो पूरे जला देता है और उससे सेप्टिक होता है जो पूरे जिस्म में फैलता है। ये जंग के कानून के खिलाफ है। अगर इसराइल ने पाइपलाइन बंद कर दी पानी की, मैंने तो देखा अब वो वीडियो सच्ची थी या झूठी, लेकिन उन्होंने सीमेंट के, सीमेंट कंक्रीट के मशीन में
पूरी सीमेंट से पाइपलाइन को भर दिया ताकि पानी जा ना पाए। ये करना भी जंग के कानून के खिलाफ है। अगर उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी तो ये भी जंग के कानून के खिलाफ है। अगर कुछ तादाद में जिनको वो लोग दहशत गर्द बोलते होंगे वो वहां है तो बाकी वहां पे 23 लाख से ज्यादा आबादी जो है वो मजलूम फलस्तीनियों की है, जो लोग परेशान है। मैं एक जगह पढ़ रही थी कि गाजा पट्टी में जहां पर मादनियात है यानी उनकी जमीन, वो मालिक जहां मादनियात है वहां पर फलस्तीनी लोगों को जाने की इजाजत नहीं। यहां तक के जहां नदी है, समुन्दर है, अगर वहां से मछली निकाल ली जाए तो वो मछली फरोख्त होगी दूसरे मुल्क में, तो ये भी इजाजत फलस्तीनियों को नहीं है कि वो अपने ही समुन्द्र में से मछली निकाल ले। वहां पर इसराइली फौज खड़ी है जो किसी भी आम आदमी को या वहां के लोगों को मछली निकालने का काम नहीं करने देना चाहती। मैं पढ़ते हुए मुझे हैरत हुई कि दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म है कि खाना जो जाता है गाजा में वो भी गिन के दिया जाता है। पिछली मरतबा एक खबर आई थी कि कैलोरीज कितनी मिलनी चाहिए इंसान जिंदा रहे, जैसे जेल में सुनूक होता है उससे भी बदतर सुनूक, कितना इंसान जिंदा रहने के लिए कैलोरीज चाहिए उतना पर आदमी इजराइल गाजा पट्टी में खाना भेजता था। ये जुल्म की इंतहा है जिसपे पूरी दुनिया खामोश है। ये सिर्फ एक उम्मत का मामला नहीं है, ये इंसानियत का मामला है। जहाँ इंसानियत का मामला आया आज देख रहे होंगे कि सिर्फ जहाँ पर हुक्मरान मुसलमान है वो उनके फेवर में बोल रहे हैं और इसराइल के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन बाकी जगह लोग ताकत की बुनियाद पर अमरीका के डर से खामोश बैठे। लेकिन हमको कम से कम हिंदुस्तान ने जो पॉलिसी अपनाई थी, हमेशा सेकुलरिज्म की दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री हिंदुस्तान है, तो हमको अहवान तक हमारी आवाज पहुंचानी चाहिए कि हम हमेशा से हमारा गांधीयाई उसूल के तहत ये फैसला रहा है कि मजलूम के साथ रहना। वो उम्मत की बात जो है वो तो हमारे साथ लगी है, लेकिन मजलूम अगर फलस्तीनी है तो हिंदुस्तान को फलस्तीन के साथ रहना चाहिए। ऐसा पैगाम दस्तूर बचाओ कमेटी की तरफ से ऐवान तक और फलस्तीन बचाओ कमेटी की तरफ से पहुंचना चाहिए ऐवान में और यूएनओ तक पहुंचना चाहिए कि हम इस बात की मजम्मत कर रहे हैं कि अगर तुम किसी मूल वासियों को जो हकीकी बाशिंदे हैं उनके ऊपर जुल्म कर रहे हो, उसको हिंदुस्तान मजम्मत करता है, इस तरह की बातें वहां तक पहुंचनी चाहिए। मालेगांव का हमेशा से शेवा रहा है कि वो हिंदुस्तान क्या दुनिया के किसी भी कोने में अगर नस्ल इंसानियत पर जुल्म होता है तो मालेगांव शहर में साथी निहाल अहमद साहब के रहनुमाई में यहाँ आवाज उठाई जाती थी और इसी आवाज को देखकर पूरे हिंदुस्तान अपनी तहरीक का रुख तय करता था। और हमको भी शर्फ हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने शुरुआत की, अगर जुल्म हुआ है तो उसके खिलाफ हमने आवाज उठाने की शुरुआत की। एक वक्त था जब फलस्तीन बचाओ कमेटी की तरफ से पैसा जमा किया जा रहा था, चंदा जमा किया जा रहा था, तो बहुत दुख की बात थी कि मालेगांव शहर के हम में से ही कुछ लोग उसकी मुखालफत कर रहे थे। वो ये बोलते थे कि ये पैसा फलस्तीन तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे लीडर और साथी बुलंद इकबाल उनके साथ लगे हुए लोगों ने ये कारनामा अंजाम दिया कि वहां पैसा ट्रांसफर हुआ और बकायदा ट्रांसफर हुए पैसे की स्लिप लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बताया। तो जहां सियासी बात आएगी, जैसे यूसुफ इलियास साहब ने कहा कि अब ये देखने का वक्त है कि मिल्लत के नाम पे कौन कौन जमा होता है। हमने माजी में भी देखा कि मिल्लत के नाम पे कितने लोग जमा हुए और कितने फरार रहे, लेकिन अब वक्त जो है ये सिर्फ मालेगांव की बात नहीं है, हिंदुस्तान की बात नहीं है। ऐसा हो गया, मैं जो अभी देख रही हूँ सोशल मीडिया में, ये जो फलस्तीन पर हमला हुआ उसको ऐसा बीजेपी इस्तेमाल कर रही है जैसे इलेक्शन से पहले पुलवामा का जो मामला हुआ था उससे उन्होंने सियासी फायदा उठा के इलेक्शन में आवाज उठाई थी और अपना पूरा गेन किया था फायदा, वैसा ही फलस्तीन पर हुए हमले को प्रचार करके मुसलमानों के खिलाफ ये दहशत गर्द होते हैं, इनके ये जुल्म करते हैं। और हमारी पीढ़ी को, खास तौर पे हमारे नए लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि वहां के जमीन के हकीकी मालिक वो फलस्तीनी ही है, वरना जो प्रोपेगेंडा होता है उसका शिकार हमारी नई नस्ल ना हो, ये सब पहुंचाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत बातें गलत आ रही है। अभी कल मैंने देखा कि 40
बच्चों को कत्ल कर दिया है हमास ने, ऐसी पब्लिसिटी हो रही थी। बाद में वो बात सीएनएन ने भी बोली, उसके बाद इसराइल ने खुद उस बात की मजम्मत की कि ये बात झूठ है, ऐसा नहीं हुआ। वो इसलिए मजम्मत की कि दुनिया में जो उनके एक ढिंडोरा है कि वो बहुत मजबूत इंटेलिजेंस है, उस पर नजर आए, इसीलिए उन्होंने सच बोला, वरना वो सच नहीं बोले। इस तरह का एक हलवा उड़ाया जा रहा है। मैंने एक नोट में देखा कि खुद एक इजरायली औरत का ये बयान है, जब हमास का हमला हुआ तो मेरे दो बच्चे और मैं यहूदी औरत थी, वो हम फंसे हुए थे और बंदूक लेकर हमास के लोग आए और उन्होंने बंदूक तानी, तो मैंने ये कहा कि मैं मेरे दो बच्चों के साथ हूँ, तो उन्होंने जवाब में कहा कि हम मुसलमान हैं, हम किसी औरत और बच्चों को तकलीफ नहीं देंगे। ये बोलने वाली औरत यहूदी थी। तो तुम ये मान लो कि किस तरह से गलत प्रचार होकर दुनिया में फैलाया जा रहा है। हम हमारी जिम्मेदारी है कि न सिर्फ हमको आने वाली अपनी नस्लों को भी ये बताना है कि सच्चाई क्या है, और हुकूमत को भी ये आगाह करना है कि जो तुम गैर इंसानी और गैर जमहूरी फैसला कर रहे हो, उसके साथ पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे साथ नहीं है। इसलिए हमारी आवाज अहवान तक और जो लोग पहुंचा सकते हैं यूएनओ तक, वहां तक पहुंचनी चाहिए। ऐसी मेरी सदर मोहतरम से दरख्वास्त है कि ऐसा लाइए अमल तय करे कि वो ये मजम्मत जो है हमारी, नतीजा क्या निकलता है वो जाने दो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिल मुतमईन होना चाहिए कि जब गलत हो रहा था तो हमने आवाज उठाई और हम उसमें कहीं ना कहीं कोशिश किए, ताकि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने हम जाएं तो हम ये बताएं कि तेरी जमीन पर, तेरी उम्मत पर जब आफत आई तो हमने आवाज उठाई थी। हमारा सियासी, मजहबी और इंसानी फरीजा है, जिसको हम इंशाअल्लाह पूरा करेंगे। आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपकी शुक्रगुजार।